एक्चुअली मेरे पीछे का जो नज़ारा देख के आप तो बोल रहे होंगे कि आज भी ये भाई रवि भाई आपको लेक दिखाने वाला है, मगर नहीं भाई, मैं आपको लेक नहीं दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे रुकना था, मुझे इंट्रो करना था, इसके लिए मैं यहाँ पे रुका। तो वेलकम बैक टू माई चैनल राइडर मैन रवि, में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज है सैटरडे, सैटरडे मीन्स हनुमान जी का दिन है, शनि भगवान का दिन है। तो मैं सोचा कि आज तो अपना फास्ट रहता है और हनुमान जी का अपन दर्शन करते हैं, मगर आज कुछ अलग हो जाएगा क्योंकि आज मैं शनि भगवान का दर्शन करने वाला हूँ और कराने वाला हूँ आप सबको। तो फेमस मंदिर है यहाँ पे बुट्टी बोरी में, नागपुर से बुट्टी बोरी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बुट्टी बोरी से जस्ट 10 किलोमीटर इंटीरियर एरिया में है। मगर मैं आपको बुट्टी बोरी से दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ हुड़केश्वर रोड से वड़द, वड़द के बाद में जो छोटे छोटे गांव आएंगे, बहुत खूबसूरत जंगल के बीच में गांव है और जंगल के बीच में से रास्ता गया है इंटीरियर से, तो वहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारा कुछ, मैं आपको डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं इतना बढ़िया सा मंदिर दिखाने वाला आपने देखा नहीं होगा और सारी डिटेल्स जानकारी मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊंगा। तो जो नए बंदे लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो मेरे सब्सक्राइबर है लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए भाई, क्योंकि थोड़ा सा आपका सपोर्ट लगेगा भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत बहुत टाइम लगता है, दिन जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रास्तों का नज़ारा। तो ये अपनी उड़न तश्तरी, तो यहाँ से निकलते अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो ये खूबसूरत लेक है, ये हुड़केश्वर रोड पे वड़द जाने के रोड पे आता है, तो भी निकलते हैं भाई, थोड़ा सा अंदर घुस गए ना, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, तो गाड़ी पेट जाता है पटका जरी, और ये जाता है वड़द। तो अपने को वड़द के तरफ से जाने का जो रास्ता वड़द के रास्ते आता है, अगर ज़्यादा पानी आ गया तो इसके ऊपर से आता है, डेंजर रहता है निकलना। अरे बुट्टीपुरी कडे इकडे जाते का रस्ता? बुट्टीपुरी कडे इथून सीधा असं पलटा लागते, इथून दादांचं लवकर पोहोच जा बुट्टीपुरी ले, इथून असं इथून गेट बंद आहे, गेट बंद आहे, इथून जाता नाहीत का? नाही, इथून जातात पलट जा, खापरी पोहोच, खापरी वर सीधे जा हायवे ना। हो का, तिकडे शनि मंदिराकडे जायचं आहे मला, तर इकडून जाऊ का? असं वापस जा, एक घर भेटते झाड आहे, झाडाच्या रस्त्याने जायचं। तर ह्या मनातला रस्ता आहे का सरळ तिकडे पांढऱ्याकडून? पांढऱ्याकडून सिद्धच जायचं, सिद्ध जायचं, इकडून नाही जाऊ ना, कोणी ते विचार द्या, इकडून नाही जाऊ, इकडून जागांतर डचके भूत गड्डे गड्डे आहे, इकडून जाऊ का? हो इकडून जा, हायवे आहे, चांगला आहे का? तो भाई ये है फुकेश्वर, फुकेश्वर में मैंने लोकल बंदे को पूछा, यहाँ से बांधे करके बोल रहा था, और इधर से अच्छा रोड़ा करके बोल रहा है, तो अपन यहाँ से जाते हैं, ये फुकेश्वर गांव है, ठीक है। ये और एक रास्ता है आजी बुट्टीपुरी कड़े, कौन सा रास्ता जाते? हा का हा, हा का आनी, हा उमरे रोड ले गेला का? ठीक है ठीक है। तो देखो भाई ये बकरी है छोटी छोटी, ये गांव में ये बैल बंडी है, जिसको बैल सामने में जोतते हैं और लेके जाते हैं। तो ये जाता है उमरेड की तरफ और ये जाता है बुट्टीपुरी की तरफ, अपन रॉन्ग दिशा से जाने वाले थे, ऐसा ही रहता है जंगल के रास्ते। और ये छोटी छोटी बकरियाँ दिखती है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बकरियाँ ये छोटी पिल्लू, उधर से आता जरा, ओके भाई साहब, अभी जान
जाने का है। धीरे धीरे जाओ भाई। जम गया। ये ऑफ रोडिंग पानी के बीच से ऑफ रोडिंग लाइन से और वो लाइन से और बीच में जो है अपने शनि भगवान। देखिए एक नंबर से आप स्टार्ट हुआ है गणपति शिव मूर्ति और यहाँ से पूरा राउंड है। ये 20 मंदिर, ये साईं बाबा का सबसे लास्ट पे 21वां मंदिर है। तो जाएंगे अपन दर्शन करने, शनिवार है आज तो भगवान के दर्शन तो बनता है, वो भी शनिवार के दिन शनि भगवान का। तो चलिए भाइयों, तो फाइनली यहाँ पे शनि भगवान के घर में हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे में देखिए एकदम बढ़िया सा सुंदर सा मंदिर, और मंदिर के साथ शनि भगवान के मंदिर के साथ और भी यहाँ पे 21 मंदिर है। यहाँ से स्टार्ट होता है गणेश जी का, जो अपने आराध्य देवता है गणेश जी, यहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ से एकदम लाइन से एकदम मंदिर के पीछे से भी मंदिर है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में 21 नंबर का साईं बाबा का मंदिर है। तो ये 21 मंदिर है यहाँ पे, तो इसका भी मैं आपको एकदम खूबसूरत से मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो अपन शनि भगवान का आज दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर बाकी का मैं आपको मंदिर का नज़ारा दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ अपने मंदिर की तरफ अपन दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे मंदिर में आओगे तो यहाँ पे सब पूजा का सामग्री वगैरह या प्रसाद का सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे सब लाइन से दुकानें हैं यहाँ पे, और नाश्ता चाय के भी यहाँ पे दुकानें हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पे मंदिर में फूलों का ये सब कुछ यहाँ पे है, नारियल का। तो चलते हैं अपन मंदिर की तरफ। तो भाइयों यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो शनि भगवान का जो मूर्ति है ये 20 फीट ऊँची है और ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है मूर्ति। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैंने गूगल में सर्च किया था तो 20 फीट की मूर्ति है ये तो सही बात है, मगर लकड़े की मूर्ति नहीं है। यहाँ पे मैंने पूछा लकड़े की नहीं है, ये गूगल में थोड़ा सा गलत जानकारी डाली गई है। और मैंने अभी पूजा ली, अभी भगवान के पास जाएंगे अपन। ये देखिए स्वर्गीय मानिक राव जी वैद्य, इन्होंने स्थापना की है मंदिर की। तो उनके यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्टैचू बनाया हुआ है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे, ये देखिए बहुत खूबसूरत मंदिर, बहुत बढ़िया सा वो परिसर खुला रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हवन वगैरह होता है उसकी वजह से यहाँ पे खुला रखा है। तो भाइयों अपना दर्शन हो गया है, बहुत बढ़िया सी मूर्ति, बढ़िया सा दर्शन हुआ है। और अपने शनि भगवान के साथ में बाजू में हनुमान जी का भी यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है। यहाँ पे जो गूगल में जो दर्शाया गया है कि 20 फुट मूर्ति, ये सही बात है, मगर जो लकड़ी की मूर्ति करके बोलते ना वो गलत बात है। ये पूरे संगमवर वाली मूर्ति है 20 फुट की, बहुत बढ़िया सी एकदम बढ़िया सी मूर्ति है। मेरे वीडियो में देख रहे होंगे आप बहुत। और यहाँ पे यज्ञ कुंड भी है और ये अपना नारियल, और ये अंकल जी की तरफ देखिए। Thank you.
गर्दी कोणत्या दिवशी राहते इथं? शनिवारीच राहते, पण आता लोक फार कमी होते. आता कष्ट करायचे काम ते आता तुमच्यासाठी रिकामी कंपनीमध्ये येते रिकामे लोक आहेत. आता कष्टकरी काम आहेत ना, पासून स्वयंपाक बाकी कामं बोलले की काम बोला मेरे को. तो नारियल भी फोड़ना हो गया अपना, दर्शन भी हो गया और बारिश ने स्टार्ट भी कर दिया अभी यहाँ बारिश. तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, अपना हेलमेट भी गीला हो जाएगा इसकी वजह से, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे और दिखाता हूँ बाकी की मंदिरों का नज़ारा खूबसूरत है. तो शनि भगवान का दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने जैसे बताया कि शनि धाम, शनेश्वर धाम जो एरिया है वहाँ पे 21 मंदिर और शनि भगवान का पकड़ के 22, यानी कि 22 मंदिर है. तो स्टार्टिंग करते हैं जो अपने आराध्य भगवान है गणेश जी उनसे. तो फर्स्ट जो दिख रहा है आपको ये गणेश जी का मंदिर है. ये फर्स्ट मंदिर गणेश जी का जो कि एकदम खूबसूरत मंदिर भी खूबसूरत है. उसके अंदर में जो मूर्ति है वो भी बहुत खूबसूरत है. वैसे भी गणेश जी का हर एक कैरेक्टर बोलेंगे अपने लैंग्वेज में, हर एक मूर्ति बड़ी खूबसूरत रहती है. और उसके सामने में ये जो है ये डॉग, ये अपने को अंदर जाने नहीं दे रहा है. बड़ा सख्त आदमी है, सख्त कुतरा. तो ये दूर से अपन ने दर्शन कर तो इधर साइड में है शिव मूर्ति. तो ये सेकंड मंदिर, ये भी देखिए बहुत बढ़िया सा मंदिर. ये शिव मंदिर मीन्स यहाँ पे शंकर भगवान का जय भोलेनाथ. तो ये भी बहुत बढ़िया सी मूर्ति है यहाँ पे भगवान शंकर की. और ये शिव नागेश्वर, ये तीसरा जो मंदिर है शिव नागेश्वर. तो ये नाग भगवान का ये मंदिर है. सामने में शंकर जी की पिंड भी है और सामने में नंदी जी बैठे हुए हैं. बड़ी खूबसूरत ये भी मूर्ति भी बढ़िया खूबसूरत है और मंदिर भी बहुत बढ़िया सा है. तीन मंदिरों का दर्शन हो गया. अभी आते हैं सीताराम. जय श्री राम. पूरे भारत के आराध्य देवता प्रभु चंद्र रामचंद्र की जय. श्री राम जी बीच में हैं और अपने बगल में सीता माता और इधर साइड में लक्ष्मण भगवान और सामने में बैठे हुए खुद हनुमान जी. तो बोलो सिया राम की जय. तो ये मंदिरों की जितने भी मूर्तियाँ जितने भी स्टैचू बड़ी खूबसूरत है. और ये सीताराम जो मंदिर है चार नंबर का बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, खूबसूरत मूर्ति है भाई. तो ये अपना पांचवा विठ्ठल रुक्मिणी विठू माउली. तो ये अपने पंडरपुर के राजा, पंडरपुर के देवता श्री विठ्ठल और साथ में रुक्मिणी. ये अपने पंडरपुर के देवता हैं जो कि पूरे महाराष्ट्र को सहारा देते हैं. और ये पांचवा मंदिर है विठ्ठल रुक्मिणी का. और आगे में 6 नंबर का जो मंदिर है ये अपने तिरुपति निवासा वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा. तो ये देखिए भाई तिरुपति बालाजी. बड़ा खूबसूरत स्मेल आ रही भगवान जी तिरुपति निवासा वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा. तो ये भगवान विष्णु के अवतार है ये सारे ही जो भी है मंदिर. उसके बाद ये विठ्ठल रुक्मिणी जी का और अपने सीताराम का और ये तिरुपति बालाजी का. तो ये सारे विष्णु भगवान के रूप है. राधा कृष्ण भी विष्णु जी का अवतार है. ये राधा कृष्ण मंदिर
बोलो राधे राधे, यह श्री कृष्णा जी और साइड में है राधा जी। ये बड़ी खूबसूरत कलाकारी, ये बहुत बढ़िया सा मन प्रसन्न कर देने वाला मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है। और यह है माँ सरस्वती, इधर साइड में 8 नंबर का जो मंदिर है ये माता सरस्वती का है, जो कि विद्या की देवता है माता सरस्वती। बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। 9 नंबर का जो मंदिर है ये है जय माँ संतोषी माता, संतोषी माता का मंदिर। तो भाइयों ये है संतोषी माता, माँ संतोषी माता। और जय माँ वैष्णो देवी, वैष्णो देवी अपन ने दर्शन कर लिए वैष्णो देवी जाके। और ये माँ वैष्णो देवी का खूबसूरत सिंह पे विराजमान माता वैष्णो देवी, आके मन प्रसन्न हो गया था। जम्मू में स्थित कटरा में एकदम माता वैष्णो देवी का दर्शन बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। और ये है तुलजा भवानी, तुलजापुर की तुलजा भवानी, माता तुलजा भवानी। और ये शिवाजी महाराज जी की आराध्य देवता और पूरे महाराष्ट्र की आराध्य देवता है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी एकदम तुलजापुर में बहुत खूबसूरत एकदम पुराना मंदिर है। बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। हम लोग गए थे फैमिली के साथ पूरा तुलजापुर वगैरह घूमने, तब माता का दर्शन किया था। और ये जो 12 नंबर का जय माँ दुर्गा, तो ये शेरों वाली माता माँ दुर्गा। और 12 मंदिर हो गए, पूरे टोटल 21 मंदिर करना है। तो देखिए यहीं पे अपना पूरा मंदिरों का दर्शन हो गया। 13वां मंदिर जो है माता नर्मदा, माँ नर्मदा। ये माता नर्मदा है जी, जो कि यमपी से निकली हुई है। माता नर्मदा एकदम पवित्र नदी है, वही ये माता नर्मदा है। और अपन ने ओमकारेश्वर में माता नर्मदा का दर्शन भी किया था और बहुत बढ़िया सा प्रसन्नता हुई। और ये जो है 14वां नंबर का जो मंदिर है ये माँ काली, काली माता, दुष्टों का विनाश करने वाली, शत्रुओं को हराने वाली माता काली, महाकाली। और साइड में एक आवाज़ आ रहा है, साइड में कुछ नदी टाइप कुछ है, झरने का आवाज़ आ रहा है एकदम धीरे धीरे। और ये जो है शनि भगवान का मंदिर है ये वाला। तो 15वां जो मंदिर है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो अपने 15 मंदिर मैंने आपको दिखा दिए। और है 16वां मंदिर स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। कलकोट के राजा, कलकोट के भगवान श्री स्वामी समर्थ, जय हो स्वामी समर्थ। 16वां मंदिर स्वामी समर्थ, समर्थ का था, स्वामी समर्थ जी का। और ये 17वां जो है श्री दत्त भगवान का है, दत्त दिगंबर देवाय नमः, दत्ता अवतार, दत्ता अवतार। दत्ता अवतार की आपने कहानी तो सुनी होगी, बहुत बढ़िया सी है। और अपन कुछ दिनों बाद सीरीज भी स्टार्ट करेंगे दत्ता भगवान के, जितने भी मंदिर है जितने भी अवतार है अपन दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी देखते हैं सामने में। और ये है 18वां मंदिर संताजी महाराज, संताजी जो है और थे, ये तेली समाज के लिए बहुत बढ़िया सा काम करके गए, इसके लिए ये संता जी जो तेली लोग
जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए बढ़िया सा काम कर गए संता जी, उनके नाम से बहुत सारी हॉल मंदिर वगैरह बनाई गई है नागपुर के अंदर। और ये जो है संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर माउली आणंदी के ज्ञानेश्वर माउली, इन्होंने तो ज्ञानेश्वरी रची जो कि मराठी में है, और उनके कारण ही जो भी देव देवता जो संत लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रचलित हुए। और ये 20वां मंदिर है संत गजानन महाराज, जो कि शेगांव के संत गजानन महाराज। संत जय जय गण गण गणनाथ बोलती। तो ये गजानन माउली, गजानन भगवान, गजानन संत भी बोल सकते हैं, जो कि शेगांव में बहुत प्रचलित है। बहुत बढ़िया सा मंदिर है, एटमोस्फेयर वहाँ पे ट्रस्ट बहुत जोरदार है, इसके कारण वहाँ पे जितने भी भक्त लोग जाते हैं सबका वहाँ पे प्रबंध हो जाता है, रहने का, खाने का, घूमने का। और बहुत बढ़िया सा आनंद सागर है वहाँ पे, लोग जो बाहर गांव के आते हैं घूमने के लिए, बहुत बढ़िया सा। और फाउंटेन वगैरह है, तो कोई भी बंदे लोग देखेंगे जाएंगे, गए नहीं होंगे शेगांव तो जाके देखिए, शेगांव में बहुत बढ़िया सा मंदिर है, बहुत बढ़िया सा एटमोसफेयर मिलेगा। और ये जो है सबसे फाइनल 21वां मंदिर जो कि शिरडी के साई बाबा का है, बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये अपने भगवान साई बाबा, सब लोग मानते हैं इनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये सारे मैंने आपको एक से लेके 21 तक, 21 तक मैंने पूरे मंदिरों का नज़ारा आपको बता दिया। बहुत बढ़िया सा खूबसूरत मंदिर है ये पूरे सारे मंदिर बड़े खूबसूरत है। तो यहाँ से निकलते अपने उड़न तस्करी की तरफ। तो भाइयों, मैंने शनि भगवान का दर्शन करा दिया आपका, उसके बाद गणेश जी का, और सारे जितने भी अपने ऑल इंडिया में भगवान हैं, आराध्य देवता है गणेश जी से स्टार्ट होके साईं बाबा तक, पूरे 21 मंदिर और शनि भगवान का 22वां मंदिर। तो ये सारे मंदिरों का तो मैंने दर्शन करा दिए। तो आज का दिन भी शनिचर का है, शनिवार का है, सैटरडे है, शनि भगवान का एकदम मन भर के पूरा अपना दर्शन हुआ, बाकी भगवानों का भी हो गया। और ये शनि धाम, शनेश्वर धाम बहुत बढ़िया सा एरिया है, आप आइए बुट्टीपुरी में आइए, नागपुर से 30 किलोमीटर पे बुट्टीपुरी है। बुट्टीपुरी से एक अपना उमरे रोड के तरफ रास्ता जाता है बुट्टीपुरी से, और वहाँ से जस्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे ठाणा गांव आता है। ठाणा गांव से किसी को पूछेंगे शनि भगवान का मंदिर किधर है, कोई बता देगा पास में ही है, ठाणा गांव के पास में ही है, और ठाणा गांव से ही दिखेगा मंदिर का ऊपर का जो चबूतरा है वो दिखेगा। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नाश्ते का, चाय का सब प्रबंध है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पूजा शनि भगवान के लिए लेके जाते हैं, जो तेल और बाकी का सामान वगैरह, फूल नारियल वगैरह लेके जाते हैं, सारा कुछ है यहाँ पे। और अपने उड़न दस्ते भी अपने वेट कर रही। तो सारा कुछ दिखाने के बाद आज का दिन बहुत बढ़िया सा गया यानी कि जाने वाला है, बहुत बढ़िया सा दर्शन, बाकी बहुत बढ़िया सा लगा, मन प्रसन्न हुआ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे जो भी भाई लोग हैं, सब्सक्राइबर है तो लाइक और कमेंट करिए, और नहीं है तो भाई नए लोग हो तो ऐसे ही बढ़िया से मंदिर, लेक, उसके बाद बढ़िया से नज़ारे, बढ़िया से पहाड़, बढ़िया से रास्ते, बढ़िया सा कमेंट्री सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट जैसा भी है अच्छा बुरा करिए, मुझे पता चलेगी किसको, कौन बंदे को या किसको किसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय।